हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और बड़े उलटफेर की खबर आ गई है एक और स्विंग स्टेट से, और ये है विस्कॉन्सन में। विस्कॉन्सन में ट्रंप आगे निकल गए। विस्कॉन्सन में ट्रंप 51.9% और बाइडेन 40.5%, लगभग आप कह सकते हैं 7-8% का निर्णायक बढ़त। ट्रंप ने भी मार ली है सेंचुरी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मार ली है सेंचुरी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आगे जो बाइडेन के बढ़ने की रफ्तार थी वो धीमी हो गई है और ट्रंप के बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको फिर से प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, पल पल टैली बदल रही है। ट्रंप ने आंकड़ा सेंचुरी मार ली है आंकड़े में और 129 में अब तक जो बाइडेन। तस्वीरें दिखाइए फिर से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिनको पॉपुलर वोट कई जगह पे पॉपुलर वोट काफी मिला है, और उस पॉपुलर वोट के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी वो अपनी बढ़त को बनाए रखेंगे। जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, जो 12 स्टेट जिसका सविता जिक्र कर रही थी उसके अंदर से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन और ओहायो का भी जो नतीजा आ रहा है वो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 70% से ज्यादा की वोटिंग वहां हो चुकी है और यहां इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 6 इलेक्टोरल कॉलेज अब तक गए हैं। टेक्सस के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से रेड स्टेट टेक्सस बरकरार है। विस्कॉन्सन के अंदर भी बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की है। यानी अगर हम 12 में से बात करें तो 6 जो हैं वो राज्य 6 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं और 6 जो बाइडेन के पास हैं। यानी कांटे का मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है और चुनावी ऊंट जो है वो किसी भी करवट ले सकता है, खासतौर पर इन 12 बैटल ग्राउंड स्टेट्स। आप सही कह रहे हैं,